Hello dosto, main Rupali and you're watching Designs of India. फॉल सीलिंग इंटीरियर डिजाइनिंग में एक इनसेपरेबल पार्ट है. फॉल सीलिंग में आजकल काफ़ी सारे फैंसी और क्रिएटिव ऑप्शंस पॉसिबल है. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फॉल सीलिंग में कौन से अलग टाइप्स है और कौन से एरियाज में आप कौन से टाइप का फॉल सीलिंग यूज़ कर सकते हैं. लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा. तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो को. फॉल सीलिंग्स में सबसे पॉपुलर और कॉमन ऑप्शन है जिप्सम फॉल सीलिंग्स. ये काफ़ी रीजनेबल और बजट ऑप्शन है. इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस आप बना सकते हैं और ये काफ़ी इजी होता है यूज़ करने के लिए. जिप्सम के पहले पीओपी सीलिंग्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन जिप्सम की क्वालिटी पीओपी से कंपेयर्ड काफ़ी अच्छी है. जिप्सम सीलिंग में सबसे पॉपुलर ब्रांड है इंडिया जिप्सम एंड उनके सेक्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं. तो अगर आप जिप्सम सीलिंग करना चाहते हैं तो इंडिया जिप्सम यूज़ कर सकते हैं. जिप्सम सीलिंग का फिनिश आप एक नॉर्मल पेंट कर सकते हैं या फिर आप उसे टेक्सचर दे सकते हैं या वॉलपेपर लगा सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शंस आप जिप्सम के साथ कर सकते हैं. अगला ऑप्शन फॉल सीलिंग में वुडन फॉल सीलिंग है. ये काफ़ी रिच लुक देता है फॉल सीलिंग में. आप इसमें रियल वुड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके लिए कॉस्टली बन रहा हो तो आप एक प्लाई यूज़ कर सकते हैं, उसको वीनियर से फिनिश कर सकते हैं या फिर आप लैमिनेट लगा सकते हैं. तो इस तरीके से आप एक वुडन लुक दे सकते हैं आपके फॉल सीलिंग को. जब हम रियल वुड यूज़ करते हैं फॉल सीलिंग में तो आप उसको एक पॉलिश से फिनिश कर सकते हैं. इससे उसका लुक काफ़ी बेहतर हो जाता है और आपका रूम का इंटीरियर भी उससे अच्छा दिखने लगता है. एक अच्छी टिप होगी कि अगर आपको वुडन सीलिंग करनी है तो आप वुडन राफ्टर्स यूज़ कीजिए और उन राफ्टर्स को आप एक क्रीपर से लपेट लीजिए. इससे आपका एक डिफरेंट और यूनिक लुक मिल सकता है फॉल सीलिंग में. मैंने ये काफ़ी सारे साइट्स पे किया है और मुझे ये बहुत पसंद है. दोस्तों, अगला ऑप्शन फॉल सीलिंग का है मॉड्यूलर फॉल सीलिंग. ये फॉल सीलिंग ज़्यादातर ऑफिसेज यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं. एक तो ये बहुत ही फास्ट इंस्टॉलेशन होती है इसकी. ये टाइल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. इसमें अलग अलग मटेरियल होते हैं. एक तो जिप्सम होता है, एकॉस्टिक होता है, मेटल होता है. और क्योंकि ये ऑलरेडी फिनिश्ड होता है, आपको इस पर अलग से कोई ट्रीटमेंट या पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. और ये रीयूजेबल होता है. अगर आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करते हो तो ये ईजिली डिसमेंटल करके वापस उसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं. अगला ऑप्शन फॉल सीलिंग का है एक्रेलिक फॉल सीलिंग. ज़्यादातर एक्रेलिक फॉल सीलिंग आप बाथरूम या फिर बालकनी जैसे जगह पे यूज़ करते हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है. लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये यहीं पे यूज़ किया जाए. हमने फॉल सीलिंग में एक्रेलिक का यूज़ काफ़ी अलग जगह पे जैसे लिविंग रूम है, बेडरूम्स में भी किया है. जैसे कि एक जगह पे हमने डाइनिंग को हाईलाइट करने के लिए इसे यूज़ किया था लेज़र कट करके. ये मटेरियल ग्लास की तरह दिखता है, तो जहाँ पे आपको ग्लास यूज़ नहीं करना है और ग्लास इफेक्ट देना है तो एक्रेलिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. क्योंकि एक्रेलिक एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, ये ग्लास को रिफ्लेक्ट करता है. तो जहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्शन की क्वालिटी चाहिए या फिर ग्लास यूज़ करना है लेकिन ग्लास नहीं यूज़ कर सकते, उस ग्लास का इफेक्ट देना है, तो आप एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं. आप लेज़र कट करके एक्रेलिक को काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. दोस्तों, अगला सीलिंग है ACP फॉल सीलिंग. अल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल से बनाया गया ये सीलिंग आजकल काफ़ी पॉपुलर और ट्रेंड में है. क्योंकि ये एक तो वाटरप्रूफ मटेरियल है जो ज़्यादातर बाथरूम्स या बालकनीज में यूज़ किया जाता है. इसका मटेरियल अल्यूमिनियम होता है जो कि ये मेटल है. इस वजह से ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है. इसमें काफ़ी सारे फिनिशेज अवेलेबल है जैसे कि गोल्डन है, सिल्वर है, मैट फिनिशेज है. आजकल तो टेक्सचर फिनिश भी आते हैं जैसे कि वुडन टेक्सचर है या फिर कोई ग्रेनाइट फिनिश है और आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा मटेरियल लगाया हुआ है. तो ये ऑप्शन काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है. फॉल सीलिंग में अगला ऑप्शन है PVC फॉल सीलिंग. ये PVC मटेरियल से बनाया हुआ फॉल सीलिंग है
और ये काफ़ी सस्ता ऑप्शन है। अगर आपको वुडन लुक देना है लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप पीवीसी फॉल सीलिंग यूज़ कर सकते हैं। ये एक वाटरप्रूफ मटेरियल है, इस वजह से आप इसे इंडोर एज वेल एज आप आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बालकनी है आप उधर यूज़ किया, या फिर आपका कोई लॉबी एरिया है आपको उधर यूज़ करना है आप उधर यूज़ कर सकते हैं। पीवीसी फॉल सीलिंग में ज़्यादा पॉपुलर है वुडन फिनिशेस। इसमें काफ़ी सारे वुडन के शेड्स अवेलेबल है, जैसे कि ओक है, वॉलनट है, टीक है, ऐसे कलर्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम वुडन फिनिशेस आपको इसमें प्लेन कलर्स मिलेंगे, कोई प्रिंटेड ऑप्शन भी मिलेंगे, लेकिन मुझे फॉल सीलिंग पीवीसी अगर यूज़ करनी है तो ज़्यादातर मैं वुडन फिनिश ऑप्शन प्रेफर करती हूँ। और दोस्तों मज़े की बात ये है कि एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है तो आप इसे देख के बता नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअल वुड है या पीवीसी है, क्योंकि इसका लुक इतना बेहतरीन आता है कि ये रियल वुड का लुक देता है। चारकोल फॉल सीलिंग ये भी एक नया ऑप्शन है फॉल सीलिंग में, जो काफ़ी रॉयल लुक देता है आपको। ये काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल है जो वाटरप्रूफ है, फायर प्रूफ है, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू नॉर्मल मटेरियल जो हम वुडन जो हम सीलिंग में यूज़ कर सकते हैं। इससे आप एक लिविंग रूम को या बेडरूम को या फिर आपके मंदिर एरिया को एक ट्रेडिशनल या रॉयल लुक दे सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कॉर्निसेस के ऑप्शन पॉसिबल है या फिर गोल्डन फिनिशेस पॉसिबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इन सारे मटेरियल्स के अलावा और भी ऑप्शन है जो आप फॉल सीलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। ग्लास इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, मैं पर्सनली इसको रेकमेंड नहीं करती क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसकी वर्कमैनशिप और इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं हुआ तो ये एक्सीडेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग अ ग्लास फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में आप फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम सिलिकेट शीट्स है जो फायर प्रूफ है आप वो यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट शीट्स है जो प्लैंक सेक्शंस में अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ रहता है तो आप इसको इंटरनल और एक्सटीरियर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस फॉल सीलिंग के हैं, आप डिसाइड कीजिए कि आपको आपके घर के लिए कौन सा ऑप्शन पसंद आता है एप्लीकेशन के हिसाब से और बजट के हिसाब से। आपके पास अगर कोई डिज़ाइनर है तो उसका कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। सो दीज वर द ऑप्शन फॉर द फॉल सीलिंग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। अगला वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें हम देंगे आपको किड्स रूम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूनिक आइडियाज़। तो बाय फॉर नाउ।